हिमाचल की गल कर लैने आ। चर्चा दे विच ने खालिस्तान दे झंडे ते कंधां ते लिखिया खालिस्तान। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा दे बाहर कंधां ते दरवाज़ियां ते खालिस्तान लिखिया जांदा है, खालिस्तान दे झंडे लगाए जांदे ने। हालांकि हुण हिमाचल पुलिस ने अमेरिका दे विच रहिंदे गुरपतवंत पन्नू ते एक मामला दर्ज किया है। इस मामले च यूएपीए तहत सैक्शन 13 तहत मामला दर्ज होया है। इसे दरम्यान तरन तारण दे विच विस्फोटक समगरी मिलन नाल करनाल दे विच चार नौजवानों तो भारी मात्रा दे विच विस्फोटक समगरी मिलन नाल जो सरगर्मियां ने वधियां होईयां ने वह भी इस वल कितना ना कितने इशारा कर दियां ने। समुचे वर्तारे तो बाद बेहद वड्डे ते गंभीर सवाल उठ रहे ने। खालिस्तान दी झंडे लगाए जांदे ने, पूरा मामला तूल फड़दा है। हिमाचल प्रदेश दे मुख मंत्री दा की कहना सुन लैने आ। चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद सारे इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी हुई है और इसके साथ साथ में जो पूरे हिमाचल प्रदेश को जो अलर्ट की दृष्टि से हमने जो एक नया कदम उठाया है तो उसमें जो खास तौर से जो हमारा हिमाचल के साथ बॉर्डर है उसमें सर्विलेंस बढ़ाने के लिए ताकि हम सारी चीज़ों को इस प्रकार से दोबारा घटित होने से रोक सके। ਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਦੀਪ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਮ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ? अमृता, देखिए जिस तरीके से गुरपतवंत पन्नू जो है वो पिछले कुछ महीनों से लगातार जो है वो इस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए जो है वो ऑडियो मैसेजेस लगातार वायरल कर रहे थे, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या फिर मंत्रियों के माध्यम से हो या बड़े नेताओं के माध्यम से हो। लगातार पिछले कुछ महीनों में कई बार इस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए जो है वो गुरपतवंत पन्नू की वजह से जो है वो की तरफ से जो है वो वायरल की जा रही थी, लेकिन उस दौरान जिस डेट्स के लिए मेंशन किया जा रहा था उस डेट के दौरान जो है ये चीजें हुई नहीं। लेकिन पिछले कल सुबह जैसे ही 7 बजे के करीब इसकी जानकारी मिली कि विधानसभा के मुख्य द्वार पर जो है वो खालिस्तानी झंडे लगा दिए जाते हैं और स्प्रे करके पेंट करके जो है वो खालिस्तान विधानसभा की दीवार पर लिख दिया जाता है, तो उसके बाद जो है वो हरकत होना लाजमी था, क्योंकि पिछले कल जैसे ही पता चला तुरंत रिएक्शन करते हुए पुलिस की तरफ से जो है वो डीआईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया। जबरदस्त तरीके से जो है वो इस पर जो है वो पुलिस का रिएक्शन आना शुरू हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले की गंभीरता को दिखाते हुए जो है वो रिएक्शन दिया। जाहिर तौर पर ये पहली मरतबा ऐसा मामला है प्रदेश में जिस तरीके से जो है वो सुरक्षा में सेंध कहा जा सकता है, जो है वो खुफिया विभाग पुलिस के जो है वो उन तक ये मामला नहीं पहुंचा, पहले से एडवाइजरी नहीं जारी की गई, जिसके बाद जो है वो इस तरीके के उपद्रव भी जो है वो विधानसभा के परिसर तक पहुंचते हैं और अपना काम आसानी से करके निकल जाते हैं। लेकिन अब तक लगभग 24 घंटे का समय होने को है, एसआईटी को फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके की लीड जो है वो नहीं मिल पाई है। हालांकि सीसीटीवी कैमरा खंगालने की कोशिश की जा रही है, हिमाचल को हाई अलर्ट पर रखा गया है, तमाम जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है वो हिमाचल के साथ लगती दूसरे राज्यों की सीमा के साथ जो है वो तमाम एरिया पर जो है नाकेबंदी कर दी जाती है, तमाम लोगों को स्क्रीनिंग पर जो है वो स्क्रीनिंग करके भेजा जा रहा है जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं। और जाहिर तौर पर डीजीपी कार्यालय की तरफ से जो है वो तमाम 12 जिला के एसपी को और जितने भी रेंज के डीआईजी हैं, आईजी हैं, एडीजीपी, सीआईडी को जो है वो एक निर्देश दे दिए जाते हैं कि आने वाले समय में जो है वो अलर्ट मोड पर रहें और तमाम जितने भी पब्लिक प्रीमाइसेस हैं, चाहे वो बस स्टैंड आते हों या रेलवे स्टेशन आते हों या फिर ऐसी तमाम जगहें जहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है तो वहां पर नजर रखें। और स्टैंड बाय मोड पर जो है वो बॉम्ब स्क्वाड की टीम को रखा गया है, स्पेशल सिक्योरिटी जो स्टेट पुलिस की है उसको स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है और क्विक रिस्पॉन्स टीम को भी जो है वो स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। देखना ये होगा कि जिस तरीके से ये इंसिडेंट होता है और तमाम
इस विधानसभा क्षेत्र के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में जो है वो क्या कुछ लीड सामने निकल कर आती है। हालांकि लोगों से पूछताछ जो है वो एसआईटी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में टीम लगी हुई है जो है वो लगातार कर रही है। हालांकि विधानसभा के मेन गेट पर सीसीटीवी नहीं होना जो है वो सबसे बड़ी लापरवाही पाई गई है। आज के पूरे दिन के अगर एपिसोड की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार जो है वो धर्मशाला विधानसभा का दौरा करने पहुंचते हैं और आला अधिकारी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और किस तरीके की सिक्योरिटी जो अब आने वाले समय में जरूरत रहेगी उसको बनाने के लिए लोगों प्रपोजल जो है वो सरकार को भेज दी गई है। देखना ही होगा कि आने वाले समय में किस तरीके के सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो दोनों ही विधानसभा में जो है वो रहने वाले हैं, क्योंकि शिमला विधानसभा में भी सिक्योरिटी पर्सनल की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है, धर्मशाला विधानसभा परिसर की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन आने वाले समय में इस तरीके की गतिविधियों को रोकना जो है वो पुलिस के लिए काफी चैलेंजेबल रहने वाला है, क्योंकि कई समय से जो है इस तरीके की घटना होने को लेकर जो है वो संदेश जाहिर तौर पर वायरल किए जा रहे थे, लेकिन ऐसी घटनाएं हुई नहीं। लेकिन पिछले कल की घटना के बाद जो है वो जाहिर तौर पर पुलिस ने अपनी कमर कस जरूर ली है, लेकिन आने वाले समय में इस तरीके की घटना को रोकने को लेकर जो है वो क्या कड़े कदम उठाती है पुलिस, वो देखने लायक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि इस तरीके की घटना के पीछे वो कौन उपग्रह जो धर्मशाला में पहुंचे और धर्मशाला में पहुंचने के बाद जो है वो क्या प्रदेश से बाहर जा चुके हैं या प्रदेश में ही है, इसकी जो है वो जांच पुलिस कर रही है। और देखना ही होगा कि आने वाले समय में किस तरीके का अपडेट जो है वो एसआईटी की तरफ से अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेकर दिया जाता है। जी बिल्कुल, इस लिहाज से भी अहम हो जाता है क्योंकि चुनावी साल है और आने वाले समय में किस तरह इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में सरकार लेती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस पूरी जानकारी के लिए।